स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। तो जैसा कि हमने फोर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है और मोमेंटम के बारे में भी, तो अक्सर ये जब क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो करते ये हैं, वो फोर्स और मोमेंटम की डेफिनेशन लिख देते हैं। पर हमें फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में एक रिलेशन ड्राइव करना है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस है मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और इसको मैं साबित भी करके बताऊंगा आपको। फ़र्ज़ करें उस पर फोर्स लगती है एफ, जिसके बाद उसकी वो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाता है और उसमें उसका जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है। और उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मालूम करने का तरीकाकार भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आइए इसको मैं बाकायदा तौर पर आपसे शेयर करता हूँ विद डेरीवेशन। तो जैसा कि मैंने डिस्कशन में कहा कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी है जिसका मैस एम है, इनिशियली मूव कर रही है वी आई वेलोसिटी के साथ, और फ़र्ज़ करें इस पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये बॉडी मूव कर जाती है। इसे टाइम भी लगता है, डेफिनेटली स्मॉल टाइम, इट कवर्स डिस्टेंस एज वेल, और इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, वो वी एफ हो जाती है। पहले अगर ये पोजीशन ए पर थी तो बाद में पोजीशन बी पर चली जाती है। हमें इसके लिए डेफिनेटली मालूम करना है तो आप इसमें सबसे पहले आप कह दें इसमें इसका जो इनिशियल मोमेंटम है जिसे आप पी आई कह सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी आई। इसका अगर फाइनल मोमेंटम कहा जाए, तो फाइनल मोमेंटम आप इसे कह सकते हो पी एफ, दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी एफ। इन दोनों को माइनस कर दें, सो जो चेंज इन मोमेंटम है, दैट विल बी इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी भी लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय टाइम, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा डेल्टा पी ओवर टी विल बिकम्स इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो यहाँ से अगर हम यूँ करें कि डेल्टा पी ओवर टी ऐसे ही रहने दें, इधर से एम कॉमन ले लें, ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। को याद हो तो ये फार्मूला जो है ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम, ये एक्सेलरेशन है। सो आप कह देंगे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इट विल बिकम्स इक्वल्स टू एम ए, से दिस इक्वेशन नंबर वन। अब आप इधर से ये भी कह सकते हो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को बात करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, से दिस टू। देखें इक्वेशन वन की लेफ्ट साइड राइट साइड एम ए है, इक्वेशन टू की एम ए है, इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग वन एंड टू, जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास एफ बराबर आ जाएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। अब डेल्टा पी की बात करें तो डेल्टा पी को आप यूँ भी लिख सकते हो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, या आप इसको ये भी लिख सकते हो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। और एक्चुअली इसी चीज़ को हम फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन कहते हैं। तो अगर आप इधर से कहें तो दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम,
तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दरअसल किसके बराबर हुआ, फोर्स के। तो यही हमारा टॉपिक था, तो आइए उस टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है और यही पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो याद रखिएगा दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या आप ये भी कह सकते हो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ही है, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की तलाश है जो कि आइसोलेटेड हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब अगर किसी बॉडी पर किसी तरह की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए सिस्टम का आइसोलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी स्टेटमेंट अगली आप याद करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इसकी हमारी बुक में दो तीन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे सबसे पहले एयर फिल्ड बैलून की एग्जाम्पल दी हुई है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है नो डाउट। इन दिस केस बैलून एंड एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम, बिफोर रिलीजिंग द बैलून द सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड हेंस इट्स इनिशियल मोमेंटम वॉज ज़ीरो। एज सून एज बैलून इज सेट फ्री एयर एस्केप्स आउट विद सम वेलोसिटी, द एयर कमिंग आउट ऑफ द ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम, टू कंजर्व द मोमेंटम बैलून मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें यही कहा गया कि जितनी देर तक बैलून के अंदर एयर रहती है तो बैलून रेस्ट पे रहेगा और इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा ओवरऑल सिस्टम का, पर जब बैलून से हवा निकलती है तो है हवा एयर जो है और जो बैलून का मूव करना है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर सकते हैं। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी है, ये डायग्राम भी हमें बना के दिखाई हुई हैं, मैं इसकी भी डेरिवेशन आपके सामने शेयर करता हूँ। इसकी दो मिसालें और भी हैं, तो कंसीडर ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, एम और एम टू दो मैसेज हैं, टकराने से पहले उनकी वेलोसिटीज़ यू वन और यू टू हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद वेलोसिटीज़ में तब्दीली आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसमें ये कहें कि यू वन यू टू से ग्रेटर है तभी जाके कोलिजन होगी, तो जब ये टकराते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एम टू एम वन एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो हम इन दोनों के इनिशियल मोमेंटम्स भी मालूम करेंगे, फाइनल भी मरेंगे, और फिर हम ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूटन लॉ इसको डिस्कस भी करेंगे। तो आइए इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो आप कहेंगे ये आपके पास जैसे ये मैस है एम वन, इसकी वेलोसिटी है यू वन, एक दूसरा मैस है एम टू जो थोड़ा सा बड़ा है उसकी वेलोसिटी है यू टू, तो ये बिफोर कोलिजन है, ये टकराते हैं, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी डेफिनेटली कोलिजन होगी इनमें एम वन एम टू, इट इज़ कोलिजन। तो टकराने के बाद जो फ़र्क आता है वो ये आता है एम वन की वेलोसिटी वी वन हो जाती है और जो एम टू है उसकी वेलोसिटी वी टू हो जाती है। आप मालूम क्या करना चाहते हो, बिफोर कोलिजन, ये तो आफ्टर कोलिजन की डायग्राम बनाई है ना, आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू, पहली बॉल ये, दिस इज फर्स्ट बॉल, दिस इज सेकंड बॉल, ओके। तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम होगा एम वन यू वन, सेकेंड बॉल का मोमेंटम होगा एम टू यू टू, तो ये टोटल मोमेंटम आ गया, से दिस इक्वेशन नंबर वन। अब आफ्टर कोलिजन जो है वो जो है दैट इज कॉल्ड टोटल फाइनल
मोमेंटम। तो फर्स्ट बॉल का मैस तो सेम है, वेलोसिटी तब्दीली आती है, तो आप इसमें लिखेंगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो अब आप लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट विल बी के टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों से आप फ्रॉम वन एंड टू वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, इट विल बी इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो दिस इज़ एक्चुअली द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये इसकी एक्चुअली डेरिवेशन है जो कि आपने करनी है। आइए टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। तो ये तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। एक और एग्जांपल जो मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये भी, कि ये गन और बुलेट की एग्जांपल दी हुई है। अब जब बुलेट और गन फायरिंग बिफोर फायरिंग बात करें तो टोटल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसलिए टोटल मोमेंटम ज़ीरो होगा क्योंकि बुलेट भी एट रेस्ट है, गन भी एट रेस्ट है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इट विल बी ज़ीरो। अब जब फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ निकलती है, गन थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप देखेंगे आफ्टर फायरिंग जो है ये मोमेंटम जो है आपके सामने पेज नंबर 71 पे लिखा हुआ है, कैपिटल एम कैपिटल वी, कैपिटल एम मैस ऑफ द गन है, कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ द गन है, स्मॉल एम मैस ऑफ द बुलेट है, स्मॉल वी मैस ऑफ बुलेट है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ज़रूर होगा पर बिफोर फायरिंग इट विल बी ज़ीरो। आप देखेंगे इस फॉर्मूले के ज़रिए आप किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, चाहे वो वेलोसिटी ऑफ गन निकालना चाहें, मैस ऑफ द गन निकालना चाहें या जो भी है। इसके एक और एग्जांपल जो हमारी बुक में मेंशन है, रॉकेट और इंजन्स, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही फॉलो करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बेहतरीन मैंने आपको ये तरीकाकार बताया, इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।